हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे आलू चोखा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कभी आपका सब्जी बनाने का मन ना करे तो आप झटपट आलू चोखा बनाइए और इसे रोटी, पराठे और चावल दाल के साथ मज़े से खाइए। आलू का चोखा बनाने के लिए हमें चाहिए 5 आलू उबले हुए, 1 छोटा चम्मच कड़ी पत्ता बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च कटी हुई, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच नमक और स्वादानुसार 2 चुटकी हल्दी और 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल। फ्रेंड्स, कड़ी पत्ता को मैंने बारीक काटने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि बहुत से लोग कड़ी पत्ता नहीं खाते हैं और जब हम उसे खाने में डालते हैं तो वो उसे खाने में से निकाल देते हैं। कड़ी पत्ता हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे चेहरे पर चमक आती है और ये हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। इसलिए मैंने कड़ी पत्ता को बहुत ही पतला और बारीक काट लिया है ताकि इसे लोग खा सकें। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप डालेंगे तो बहुत अच्छा है। मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे अपने उबले हुए आलू और हम आलू को हाथों से मसल देंगे, मैश कर देंगे। आलू हमारा मैश हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच धनिया कटी हुई बारीक, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 1 छोटा चम्मच कड़ी पत्ता बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक और 2 चुटकी हल्दी। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल। हमारा आलू चोखा तैयार है, अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आलू चोखा को लाल मिर्च पाउडर और करी लीव्स से गार्निश कीजिए। रेसिपी पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।